वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें सिलेबस में बदलाव हुआ है और बिल्कुल है जो सिलेबस कर दिया गया है 9th 10th पर, तो हिंदी से भी जो प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, वो 9th और 10th के जो सिलेबस में है उसी से पूछा जाएगा। तो देखिए, 10th क्लास का हिंदी व्याकरण का ही आपका सिलेबस है, इसी टाइप का प्रश्न आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10वीं कक्षा में आपका ये व्याकरण का टॉपिक वाइज दिया हुआ है और सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका एग्जाम में पूछा हुआ है 10th क्लास में, तो इसी से आपको प्रश्न इसमें भी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, ये सभी सवाल को देख लें, इससे आपको आइडिया मिलेगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला है भाषा से कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग गेस करते चलिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा देवनागरी में। दूसरा नंबर सवाल आपका है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए संस्कृत और मराठी और नेपाली तीनों भाषा ये भी है जो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि 10th क्लास का है व्याकरण में पढ़ना है। ठीक है, आपका सिलेबस में भी बिहार पुलिस में 10th क्लास का दिया है, तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो रोमन लिपि से हुआ फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किससे हुआ है, तो आपका रोमन लिपि से हुआ है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 4th नंबर सवाल आपका, कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए दाई से बाई का रहा ना, तो ये फारसी लिपि है जो फ्रेंड्स कैसे लिखी जाती है, तो दाई से बाई लिखी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स देवनागरी लिपि क्या है। ठीक है, देवनागरी लिपि क्या है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि क्या है, तो अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत आता है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है रोमन लिपि क्या है, तो रोमन लिपि क्या है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए वर्णात्मक लिपि है। तो ये देखिए जितना भी इसमें 6 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देवनागरी लिपि के बारे में पूछे कि क्या है, तो अक्षरात्मक है, वही है जो आपका रोमन लिपि क्या है, तो वर्णात्मक लिपि है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत की प्राचीन लिपि कौन सा है। भारत का प्राचीन लिपि देखा जाए फ्रेंड्स, तो सबसे प्राचीन लिपि आपका ब्राह्मी लिपि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है भाषा साधक है किसका। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाषा जो कम्युनिकेशन का साधक है, अभिव्यक्ति का साधक है। ठीक है, भाषा के माध्यम से कुछ भी अभिव्यक्त करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 8 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका ये 10th क्लास में व्याकरण में आपका दिया हुआ था फ्रेंड्स आपका भाषा से, तो भाषा से देखिए 8 प्रश्न था ये देख लिए। इसी तरह से जो जो चैप्टर है उसका मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरा है फ्रेंड्स आपका वर्ण से है। ठीक है, वर्ण से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितना है, ह्रस्व, तो देखिए पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला का विचार है, हिंदी में ह्रस्व वर्ण की संख्या कितना है, तो 4 है। 2 नंबर सवाल आपका है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंठ से होता है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे छपा हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। 3 नंबर सवाल है, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए मूर्धा से होता है। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घोष वर्ण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह। ठीक है फ्रेंड्स, स अ ख नहीं होगा, घोष वर्ण के अंतर्गत ह आता है। ठीक है, इसमें स्वर तंतियां क्या होता है, झंकृत होती है, तो ह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ख, प, स, जो ये नहीं, ख हो जाएगा, कंठ से होता है, तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल आपका है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है,
छ का गेस करें फ्रेंड्स, छ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितना है अंतस्थ वर्ण, कितना है आपका चार है। जैसे कि अंतस्थ वर्ण में आपका हो गया फ्रेंड्स योर वाला के अंतर्गत आता है ना, तो अंतस्थ वर्ण के चार टोटल होता है इसमें, तो छ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सात नंबर सवाल देखिए। सात नंबर सवाल आपका कह रहा है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो सात का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रहता है, यह भी मैंने बताया था ना, यह जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रहता है, इसकी संख्या टोटल कितनी है, चार है, तो य को इसके अंतर्गत रखेंगे। नौ नंबर, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो आठ का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह है जो अघोष वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, नौ नंबर सवाल देखिए। नौ नंबर सवाल आपका है ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो नौ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ई तालु से होता है। दस नंबर है ल का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो दस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंत से हो जाएगा। ठीक है, दस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ग्यारह नंबर सवाल देखिए। ग्यारह नंबर सवाल है द का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ग्यारह का गेस करिए फ्रेंड्स, ग्यारह का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दंत से हो जाएगा। ठीक है, बारह, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो बारह का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल तीन प्रकार होते हैं। ये देखिए टेंथ क्लास में पढ़ना है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को करा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बदल गया, टेंथ का ही व्याकरण पूछा जाएगा। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तेरह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपका कंठ हो जाएगा। त का उच्चारण स्थान कौन है, चौदह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान कौन है, तो पंद्रह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ हो जाएगा। देखिए जब भ बोलिएगा ना, तो बिना ओठ चिपके हुए आप भ नहीं बोल सकते, आप खुद बोल के देख सकते हैं, मुंह खोल करके भ नहीं बोल सकते हैं। जब मुंह बोलिएगा भ, तो आपका ओठ इसमें इन्वॉल्व होता है। छठा नंबर सवाल है टवर्गी न का उच्चारण स्थान कौन है, तो सोलह का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए मूर्धा से होता है। सत्रह नंबर सवाल है छ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो सत्रह का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तालु से होता है। ध का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो अठारह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत से हो जाएगा अठारह का सी। चलिए उन्नीस नंबर सवाल को देखते हैं। उन्नीस नंबर सवाल आपका है कि फ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये सब देखिए एनुअल में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है। उन्नीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओष्ठ फ प फ ये सब होता है, सभी जो ओष्ठ वाला से होता है फ्रेंड्स। ट का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए मूर्धा से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लिए हम लोग वर्ण से। अब देखिए आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये शब्द से है। चलिए शब्द से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है, आग, आग शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, शब्द में इसमें तत्सम तद्भव से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो आग शब्द कैसा है, तत्सम या तद्भव, तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा आप लोग। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि तत्सम शब्द है जो आपका संस्कृत का शब्द है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है जो तद्भव है। तो पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, तद्भव। ठीक है फ्रेंड्स, आग है जो तद्भव है, अग्नि हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। मीर शब्द क्या है, तो दो का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी आपका है जो फ्रेंड्स आपका क्या है, तो तद्भव है। खेत शब्द है, तीन नंबर सवाल को देखिए। तीन नंबर सवाल, खेत कौन सा शब्द है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी है जो आपका तद्भव के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो चार का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के टोटल पांच प्रकार होते हैं। ठीक है, पांच का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो पांच का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे उत्पादन की दृष्टि से, तो फ्रेंड्स इसका कितने प्रकार, पांच प्रकार होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से पूछे तो दो प्रकार का होता है। रचना बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, तो छह का नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन प्रकार होता है। रचना या बनावट के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार का होता है। सिद्धांत शब्द क्या है, तत्सम या तद्भव, गेस करके साथ का, ऐसा ही पता चल रहा है, तत्सम शब्द है, संस्कृत जैसा लग रहा है। आंसू शब्द क्या है, ठीक है, आंसू शब्द क्या है, इसी टाइप से पूछा जाएगा, तो आठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आठ का करेक्ट आंसर तद्भव है, अश्रु हो जाएगा, तत्सम। नौ का पुस्तकालय शब्द क्या है, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या सभी, पुस्तक जोड़ आलय,
नाइन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यौगिक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पुस्तक जोड़ा है जिसको खंड करिएगा तो सेपरेट सेपरेट शब्द हो जाए, जैसे कि विद्या जोड़ आलय, ये भी यौगिक शब्द हो गया। उसी तरह से पुस्तकालय, वस्त्रालय, जितना भी है फ्रेंड्स, ये सब है जो आपका यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लीजिएगा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि इसे सिलेबस में दिया है तो प्रश्न पूछा जा सकता है। 10 नंबर सवाल आपका है कि पंकज शब्द है, पंकज मतलब कमल होता है, तो क्या है पंकज? इसका खंड हो रहा है 10 का, नहीं हो रहा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? पंकज शब्द 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें योगगुरु ये देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल है, पंख शब्द है, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तत्सम है, पंख है जो तत्सम शब्द है। पिंजरा शब्द क्या है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका भी तद्भव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लिए आपका क्या शब्द से देख लिए, अब संज्ञा से देख लेते हैं फ्रेंड्स, संज्ञा से किस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ये सब आपको पढ़ना है, इसी से हिंदी में रहेगा फ्रेंड्स। 10 प्रश्न हिंदी से पूछा जाता है, थोड़ा सा 10वां क्लास का मैं ऐसे में दूंगा फ्रेंड्स, नोट्स भी दे दूंगा जो पेड ग्रुप में है, जो क्रैश कोर्स खरीदे हैं 150 रुपये में, उनको मैं सब इस सब का नोट्स देने वाला हूँ टाइप कर कर करके। चलिए पहला है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ध्यान से पढ़ेगा, इसमें कह रहा है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। विवेकानंद किसी पार्टिकुलर खास व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया क्या आपका फ्रेंड्स, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। बाकी शहर, नदी और गाय, ये सब जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय कहते हैं तो पूरे गाय जाति का बोध होता है, नदी कहें तो जितना प्रकार का नदी सभी का बोध, शहर कहें तो सभी शहर का बोध होता है, पटना हो गया, जो भी हो गया फ्रेंड्स, पार्टिकुलर नहीं होता है, ये सब जातिवाचक हो गया। लेकिन विवेकानंद किसी खास व्यक्ति का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा का उद्दाहरण है, इसमें तो आपको सही पता चल रहा है द्रव है फ्रेंड्स आपका तेल हो जाएगा, 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 3रा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन है? 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें समूहवाचक संज्ञा आपका 3 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सभा हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 4 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 4 का करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें खास व्यक्ति होता है वस्तु का, भाववाचक हो, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो, या जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु का बोध, जैसे गाय कहें फ्रेंड तो टोटल गाय जाति का बोध हुआ, इसका करेक्ट आंसर 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो देखिए ताजमहल तो नहीं है, सुंदरता है, शत्रुता, अच्छाई, उदाहरण नहीं कह रहा, यही ताजमहल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाकी सुंदरता, शत्रुता, ये सब भाववाचक है, ये ताजमहल है जो आपका कोई पार्टिकुलर अथी का नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन नहीं है? पुस्तक कहें तो सारा पुस्तक का बोध हो रहा है, पशु कहें तो सारा पशु का बोध हो रहा है, मकान कहें तो सारा मकान का, आगरा, देखिए आगरा कोई खास शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल आपका है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा वह सुंदरी मानव पटना, यहाँ क्लियर है फ्रेंड्स, वह 7 का ए, वह है जो फ्रेंड्स क्या है, ये तो आपका सर्वनाम का है ना, किसी का स्थान पर आता है, तो संज्ञा नहीं है। बाकी सुंदरी भाववाचक संज्ञा है, मानव भी भाव संज्ञा है फ्रेंड्स, और पटना भी संज्ञा, मानव हो गया जातिवाचक, मानव कहें तो पूरे मानव जाति का बोध हुआ, पटना कहें तो व्यक्तिवाचक हो गया, सुंदरी हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए 7 नंबर सवाल देख लिए संज्ञा से फ्रेंड्स, अब 8वां नंबर सवाल देखिए, बुढ़ापा, देखिए पूछा जा चुका है सर बिहार पुलिस में। ठीक है, बुढ़ापा शब्द कौन सा शब्द है? इसे पूछा गया था कि चचेरा का भाववाचक, चाचा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो चचेरा होता है, ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, फूफा का क्या होगा, फुफेरा होगा, चाचा का क्या होगा, चचेरा, ये भाववाचक बनता है। तो बुढ़ापा कह रहा है शब्द है फ्रेंड्स, कौन सा संज्ञा आप इसे ही पता चल गया, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण होता है फिर संज्ञा के द्वारा होता है, इसका सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ है, तो खास भी देखिए, यमुना खास नदी का नाम है, गाय जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, आम जातिवाचक, लेकिन यमुना कोई खास नदी का नाम है फ्रेंड्स, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है? गाय है, पहाड़ है, लड़का है, जातिवाचक, दुख है जो आपका जातिवाचक नहीं है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो ये आपका फ्रेंड संज्ञा का परिभाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखते हैं, 13 नंबर सवाल आपका अर्थ के विचार
से संज्ञा के कितने प्रकार है? अर्थ के विचार से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 13 का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। अर्थ के विचार पांच ही होता है ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रवाचक, समूहवाचक। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। शहर कहें तो पूरे शहर का बोध हो रहा है, जातिवाचक हो गया। साकेत नहीं होगा, दिल्ली, ये सब नीलम, ये सब है व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? इसी तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो लड़का का क्या हो जाएगा? तो लड़कपन इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर लड़कापन नहीं होगा, सॉरी यहाँ लड़कपन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। यहाँ देखिए लड़कापन लिख दिया, इसी तरह से आपको फंसाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी में आप जैसे मैं गलती किया था उसी तरह से आप लोग भी गलती नहीं कीजिएगा। लड़का का क्या होगा? लड़कपन भाववाचक हो जाएगा फ्रेंड्स। बच्चा का बचपन हो जाएगा, ठीक है, बच्चा का बचपन भाववाचक होगा। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए, तो लघु से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 16 का करेक्ट आंसर लघु से बनता है लाघव भाववाचक। लघुता, लघुत्व ये सब नहीं बनेगा फ्रेंड्स। 16 का करेक्ट आंसर लाघव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लघु से क्या बनेगा, तो लाघव, इसको आप नोट करके रखिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाएंगे, लघु से लघुता बना देंगे, लघुत्व बना देंगे, लेकिन लघु का याद रखिए डायरेक्ट लाघव होता है भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गाय तो आपका जातिवाचक है, बाकी पहाड़, यमुना, आम, क्या कह रहा है फिर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन नहीं है? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, यमुना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सॉरी नहीं कर रहा है, संज्ञा है तो यमुना हो जाएगा, खास है। पहाड़ है, गाय है जो जातिवाचक, पहाड़ है जातिवाचक, आम जावते। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को जातिवाचक व्यक्तिवाचक कहते हैं, तो खास, यमुना खास नदी है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है? तो जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। सुंदर आपका लग रहा है? नहीं, ये तो आपका भाव बोध कर रहा है, तो 18 करेक्ट आंसर ये भाववाचक संज्ञा है। तो अगला सवाल 19 नंबर सवाल को देखिए, सचित्रता में किस मूल शब्द से बना है? देखिए सचरित्रता, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चरित्र से बना है, ठीक है फ्रेंड्स। चरित्र, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो मूल शब्द इसमें आपका चरित्र है, इसी से सचरित्रता बना है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उच्चारण है या उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेता कह रहे हैं तो किसका बोध हो रहा है? जितना दुनिया में नेता है सब नेता का बोध होता है, इस तरह से पकड़िए। तो नेता है जातिवाचक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेता जी भाषण दे चुके हैं तो नेता जी हो गया जातिवाचक, क्योंकि नेता कहते हैं तो जितने भी भारत में नेता है, जितने संसार में नेता, सभी का बोध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? आप लोग गेस करते चलिएगा। 21 का करेक्ट आंसर टिकना का क्या होता है? टिकाऊ होता है, याद रखिएगा। सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे एक लघु का लाघव हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, और सोना का, तो सोना का जो भाववाचक संज्ञा होता है शयन होता है, याद रखिए। क्या होता है? शयन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल कर रहा है आपका कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मित्र का देखिए गैस करिए फ्रेंड्स, देखिए आप लोग से सही होता है या नहीं होता। मित्र से मैत्री होगा, मित्रता होगा, मित्रित्व होगा, मित्री होगा, कौन होगा? आप लोग गैस किए होंगे, करेक्ट आंसर मारे जो मारे होंगे बी, उनका बिल्कुल सही होगा। मित्र से मित्रता होता है। मैदान से सभा, मैदान में सभा हो रही, यहाँ पर कौन सा संज्ञा है? देखिए इसी टाइप से सब, देखिए एनुअल में पूछा हुआ, आप ध्यान दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए बोर्ड परीक्षा में सब पूछा हुआ, 2020 में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, और टॉपिक में दिया है यही फ्रेंड्स, वही पूछेगा। 24 नंबर सवाल कह रहा है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ पर सभा कौन सा है? तो सभा कौन सा होगा? समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा धुंधला है फ्रेंड्स। निम्नलिखित शब्द में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दूध नहीं होगा सभा, गरीबी, गरीबी, अच्छाई, बुराई, ये सभी ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? चलिए गंगा कोई खास नदी का बोध हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो खास नदी भी क्या बताएं? जैसे खास का बोध होता है व्यक्तिवाचक होगा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है 27 नंबर सवाल है, 18 में पूछा था ये, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? सबको पता चल गया होगा कि भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सभा कौन सा संज्ञा है? सभा भी कई बार देख चुके हैं, भाव समूहवाचक संज्ञा है। भारत के प्रधानमंत्री किस पद, किस पदबंध का उदाहरण है? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कह रहा है फ्रेंड्स, चलिए 29 का गेस करिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है,
भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का रहा ना, तो आपका संज्ञा पदबंध का है। पानी शब्द कौन सा संज्ञा, चलिए आप लोग गेस करिए, तो पानी कौन सा है, देखते हैं कौन कौन मारते हैं सही इसका। तो पानी क्या हो जाएगा फिर, द्रवाचक संज्ञा हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो गिरोह में ढेर सारा रहता है ना, गिरोह में बहुत सारे मिलकर के बनते हैं, तो समूह हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, अक्टूबर कौन सा संज्ञा है, देखिए इस टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका जवाब आप लोग सही करते हैं कि नहीं। अक्टूबर क्या है, जातिवाचक हो सकता है, भाववाचक हो सकता है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, कोई खास महीना का नाम है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करिए, अक्टूबर। इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि अक्टूबर है जो कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। 32 का जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल आपका आज का लास्ट सवाल है ये, 33 नंबर सवाल। 32 का जवाब आप लोग हमें कॉमेंट करके बताइए कि अक्टूबर है जो कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ढेर सा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, सिपाही विद्रोह हुआ था, तो इसका हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे सिपाही मिलकर के विद्रोह किए थे, सिपाही विद्रोह अंतर्गत आते, इसको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अपन हम लोग चार टॉपिक क्लियर किए फ्रेंड्स, आपका ये जो 10th क्लास का था, उसके बाद में लिंग बच गया है, कारक बच गया है, सर्वनाम बच गया है, ठीक है फ्रेंड्स, और क्रिया बच गया है, विशेषण बच गया था, ये सब टॉपिक में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो सिलेबस में, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि 10th क्लास में क्या पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स जो क्रैश कोर्स अभी तक नहीं खरीदे हैं, जिनको 10th क्लास का और 9th क्लास का सारा टॉपिक वाइज PDF दिया जा रहा है, तो वो खरीदना चाहते हैं, तो देखिए नंबर 83 40 250 242 पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कितना 242 है ये, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, 83 लिखा नहीं रहे पसीना से, 83 40 250 242 कॉल करिएगा, सर प्रमोद सर मेरा नाम है, तो यहाँ से आप कॉल कर करके PDF ले लीजिएगा 150 रुपया में, जिसमें 10th क्लास और 9th क्लास का और बहुत सारा स्टडी मटेरियल सिलेबस के अनुसार दिया जा रहा है। बिहार पुलिस के लिए समय बहुत कम है, तो जो बहुत सारे स्टूडेंट खरीद ले हैं पढ़ रहे हैं, और इसे पढ़िएगा अपने से आपका 100% स्कोर बढ़े जाएगा। अभी से एग्जाम तक बहुत कुछ स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा देने वाले हैं, तो जो ग्रुप में शामिल होंगे 150 रुपया देकर के फ्रेंड्स, उन्हें सारा क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ग्रुप में शामिल कर देंगे, और उसमें स्टडी मटेरियल मैं प्रत्येक दिन अभी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो जिनको भी खरीदना है 83 40 250 242 पे कॉल कर करके PDF खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।